दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सन 2018-19 खरीफ आगाम की जो यादी है वो अवेलेबल हो चुकी है और आप उसे किस तरह से डाउनलोड करेंगे और अपना नाम उसके अंदर किस तरह से देखेंगे। जो भी किसान भाई ने इस साल सन 2018-19 के लिए अप्लाई किए थे खरीफ पीक बीमा के लिए उनकी यादी यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं हम उसे आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे और किस तरह से नाम उसमें सर्च करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में जहाँ पर भी आपका नेट यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आपको इस तरह का गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करके आपको यहाँ पर टाइप करना है PMFBY और यहाँ से टाइप करके सिंपली आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। और दोस्तों उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एक लिंक आपके सामने आ रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY UIIC, इस पर आपको क्लिक करना होगा UIIC.co.in/in/PMFBY, इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर UIIC की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको उस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूनाइटेड इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी की। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पर कस्टमर्स डेस्क के अंदर दिख जाएंगे बहुत सारी लिंक और यहाँ से लिंक पर आपको जाना होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर बहुत सारी लिंक अवेलेबल है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और यहाँ पर अपना टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस पर आपको क्लिक करना होगा तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप बीड, अहमदनगर, नासिक, पुणे, रत्नागिरी और फसल बीमा योजना की यहाँ पर ऑल डिटेल, क्लेम डिटेल, आपकी पेड डिटेल सब आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। और दोस्तों अब उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर देखेंगे यहाँ पर तो डाउनलोड्स के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारी PDF फाइल्स नज़र आ रही होगी। देखिए यहाँ पर ये बहुत सारी PDF फाइल्स अवेलेबल है, यहाँ पर हर प्रकार की जानकारी है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना खरीफ 2018 जिला अहमदनगर ऑनलाइन CSC केंद्रामार्फत पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सूचना। दोस्तों आप यहां से उसकी सूचना पढ़ लीजिए जो भी है। यहां पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से उन्होंने सूचना यहां पर दी है अहमदनगर के वास्ते यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीफ हंगाम 2018 मध्ये ऑनलाइन किंवा CSC ग्राहक जनसेवा केंद्र मार्फत पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांसाठी विमाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम आम्ही आधार क्रमांक आधारित देयक सेवेने नुकसान भरपाईला पात्र सहभागी शेतकऱ्यांच्या बँक हस्तांतरित केली आहे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ लोगों की यादी यहाँ पर नहीं आई है, जिसे जिसका नाम नहीं आया है उस यादी में क्योंकि उनके आधार बैंक से लिंक नहीं हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि आप हमें आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक और 7/12 ज़मीन का दाखिला इन संपर्क भी कर सकते हैं यहाँ से आप, या फिर ये जो एड्रेस देख रहे हैं आप यहाँ से इस एड्रेस पर आपको वो डॉक्यूमेंट भेजना है, उनकी पीक बीमा की रकम आ जाएंगी। दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट की यादी डाउनलोड करनी है उस सिंपली आपको डाउनलोड पर जाकर और यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा इस तरह से, तो आपके सामने ये देखिए डाउनलोडिंग का पेज यहाँ पर ओपन होगा और ये लिस्ट बहुत लंबी होने की वजह से ये थोड़ा सा लेट होगा। और दोस्तों देखिए दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यहाँ पर आपने CSC से अप्लाई किया है, तो दोस्तों जिन लोगों ने खुद से अप्लाई किए हैं, सेल्फ से अप्लाई किए हैं, तो उन लोगों की यादें आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उनके नाम रिजेक्ट हो रहे हैं, तो मैं इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिए आपको क्या करना होगा आपकी फसल बीमा की रकम दोबारा हासिल करने के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी है यादी, आपको क्या करना होगा, देखिए ये जो यादी है ये CSC से अप्लाई की हुई यादी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा जूम कर, आप देखिए एप्लीकेशन सोर्स CSC, जिन लोगों ने CSC से अप्लाई किया है उन सभी की यहाँ पर यादी आ चुकी है। CSC से जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन सभी के यहाँ पर अमाउंट डिसाइड हो चुकी है, अमाउंट यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका नेम, यहाँ पर FID, यहाँ पर नेम
और यहाँ पर फादर्स नेम टाइप, क्रॉप। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपका नाम ढूंढने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर कंट्रोल एफ बटन पर क्लिक करना होगा। कंट्रोल एफ बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी नाम है आप वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर नाम टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा नाम बता देगा। जिसका भी नाम आपको सर्च करना है बहुत ही आसानी से आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और ये प्रोसेस आप कंप्यूटर में और मोबाइल में दोनों भी जगह ये प्रोसेस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पूरा अमाउंट भी आपको बता देगा, फार्मर्स प्रीमियम और यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी। फार्मर्स प्रीमियम 144 था और यहाँ पर गवर्नमेंट की सब्सिडी आ गई 1722 रुपये। इस तरह से आपका जो भी फसल है यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने फसल बताई हुई है, कहाँ पर है देखिए दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने फसल बताई हुई है पूरी क्रॉप, ब्लैक ग्राम, उड़द, जो भी है आपका। तो यहाँ से आप फसल भी चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर टोटल पूरी जानकारी दी गई है। बस आप इस लिस्ट को यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। और ये लिस्ट सिर्फ सीएससी से जिन्होंने अप्लाई किए थे, सीएससी ग्राहक जन सेवा केंद्र से जिन्होंने अप्लाई किए थे, उन लोगों की यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपके जो भी सवाल हो उसे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, मैं आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा पिक बीमा से रिलेटेड। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।